हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच ऑयल और थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है और 3 से 4 दाने मेथी दाना ऐड कर दिए हैं। और ये थोड़े से चटकने लगेंगे तो बस दही में मैंने बेसन घोल कर रखा हुआ है। और यहाँ पे हरी मिर्च ली है मैंने 3 से 4। जैसे ही हरी मिर्च हल्की सी भुन जाएंगी थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ही ऐड करूँगी और जो मैंने छाछ और बेसन का घोल तैयार करा था वो ऐड कर दूँगी और पानी ऐड कर दूँगी। एक ये बर्तन भर के मैंने लिया था छाछ और उसका बेसन का घोल और उसी का आधा मैंने लिया है पानी। तो थिकनेस का जैसे जैसे ये पकेगी उसी हिसाब से पता चलेगा। कंटिन्यू चलाते जाएंगे हम इसे जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाए। मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक थोड़ा सा और छाती में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। मैं यहाँ पे कर दूंगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके खाएंगे और इसका अच्छा एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे अच्छा। ना ही हमें ज्यादा गाढ़ा रखना है इसको और ना ही ज्यादा पतला रखना है, क्योंकि नमक मिला के रख दिया है ना तो ये पानी छोड़ेगा थोड़ा बहुत। कड़ी में भी देखिए उबाल आ रहा है। यहाँ पे 1-2 बूंद ऑयल ऐड करेंगे बस, इतना काफी है और अच्छी सॉफ्ट पकौड़े बन जाएंगी। इसे अच्छे से फैट ना, जितना अच्छा फैटेंगे ना उतनी ही अच्छी सॉफ्ट पकौड़ी बनेंगी। ये देखिए एकदम रिबन जैसा गिरने लगा, एकदम बढ़िया हो गया ये। इसको साइड में कर देती हूँ और जैसे कड़ी में उबाल आ जाएगा कड़ी को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी और पकौड़े में इधर सेक लूंगी इस वाली गैस पर। तो देखिए कड़ी में तो उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे जितना आप तीखा खाएं, और सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं। हल्दी मैंने डाल दी थी लेकिन जब तड़का लगाएंगे जब डालेंगे, और अब ये देखना थोड़ी सी थिकनेस होने लगेगी। देखिए जैसे ही हमने मसाले डाले, और अब मैं कढ़ी को रख दूंगी इधर और इस साइड बनाऊंगी पकौड़ी कढ़ी के लिए। पहले नमक और डाल दो वरना मैं भूल जाऊंगी। तो नमक तो मैं डाल रही हूँ जी अंदाजे से, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी कढ़ी के लिए छोटे छोटे साइज की। मैं हाथ से ही बनाती हूँ मोस्टली, चम्मच से मेरे से नहीं हो पाता इतने अच्छे से, और हाथ से जल्दी जल्दी भी हो जाता है। और ये देखिए कैसे फूल रही है ना। तो साइज आप जैसा रखना चाहे वैसा रख लीजिए, छोटा या बड़ा, और हमारे यहाँ तो बस ऐसी छोटी छोटी सी बनती है। एकदम तेल गरम होना चाहिए, जैसे फूल फूल के ये ऊपर आती जाएंगी, जितनी हो जाएंगी एक बार में उतनी हम पकौड़ी बना लेंगे। सो यहाँ पे देखिए सभी पकौड़ी को हम अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे, एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगी ये, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर अच्छा हो गया है, अच्छे से सेक गई हैं पकौड़ियाँ। अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ और जो बाकी का बैटर बचा हुआ है उसकी भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। सो देखिए पकौड़ी बन गई है और ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसे
इस तरह से अगर इसमें छेद है तो बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी है। बहुत अच्छे से कढ़ी में ये कढ़ी को सोप कर लेती हूँ, सॉफ्ट हो जाती है। पकौड़ी मेरी बन गई है और मैंने राइस चढ़ा दी है एक साइड में और कढ़ी देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो रही है, बहुत ही अच्छे से पक रही है। अब कढ़ी में टाइम लगता है, जितना आप कढ़ी को पकाओगे उतनी ही टेस्टी कढ़ी बनेगी। 40 to 45 मिनट तो कढ़ी को मीडियम फ्लेम पे पकने में लगता है। तो ये देखिए कढ़ी बन रही है। जब तक मैं अथर को नहला देती हूँ और बाकी जो मेरे काम है वो भी कर लेती हूँ, ठीक है? तो चलिए। हाँ 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 हाँ, ठंडी लग रही है क्या? हाँ। अच्छा कैमरे में बोलो, सर्दी लग रही है क्या? तो पता भी नहीं चला। हाँ ये देखो, अब बड़े हो गए, जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर ओ शेम शेम, मैंने तो कपड़े नहीं पहने थे। अरे सेम सेम नहीं हो, क्योंकि मैं आप सबको नहीं दिख रहा। अच्छा मैं अच्छा ओके ओके, चलो मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है? जब रेडी हो जाओगे ना फिर मिलेंगे। बोलो रेडी हो जाओ फिर मिलूंगा, रेडी हो जाओ तब मिलूंगा, बाय। अब मैं दूसरे फ्रूट देख रहूंगा। कंगी का कौन कराएगा सर? अभी ना आपके हेयर थोड़े थोड़े गीले है ना, चलो फ्रेंड्स को बाय बोल दो, बाय। तो ये देखिए कढ़ी हमारी हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकौड़ी। कुछ नहीं करना है, सिंपली पकौड़ी को थोड़ा सा ऐसे दबाना है, ऐसे दबा दबा के डाल देंगे। और आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहां तक थी जब ये तो इतनी 1 इंच के बराबर कम हो गई, तो अच्छे से पक गई है कढ़ी हमारी, अच्छे से पक गई। तो बस ऐसे ही ऐड कर देंगे और अभी देखना इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी जैसे हम पकौड़ी ऐड करेंगे। पकौड़ी कढ़ी को सोक करेंगे, और साथ ही में मैंने ना बघार के लिए भी तड़का पैन रख दिया है। ये मैंने ऑयल लिया है, सेम वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने पकौड़ी वगैरह पकौड़ी फ्राई की थी, उस वही सेम ऑयल लिया है तड़का पैन में। और ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे लिए है जो राई और थोड़ी सी हींग ली है, जीरा और लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, 2-5 से 7 कड़ी पत्ते लिए है मैंने, और 2 से 3 रेड चिली लिए। तो यही तड़का लगेगा कड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये जो जीरा राई है आपकी जैसी ही राई चटकने लगेगी फिर हम ऐड कर देंगे सूखी लाल मिर्च और ऐड कर देंगे। कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, ढेर सारी धनिया पत्ती
कढ़ी में धनिया का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हो गई ना थिक, इसकी थिकनेस देखिए। तो गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाने आ जाइए। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सर्दी ना दो दिन से थोड़ी कम है, वरना हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। दो दिन से थोड़ी कम है, इसलिए स्वेटर वगैरह मैंने वेयर नहीं किया, ऐसी शॉल बस डाली स्टॉल। और सबका खाना पीना हो गया है। अब मेरे फेस से देखिए टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं और अभी तक मुझे भूख नहीं लगी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो बुआ जी के यहाँ से आई है ये शादी वाली मिठाई। सो आप सब भी खा लीजिए। और थैंक यू बुआ जी। और सॉरी मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ आ जाओ, मैं आपको दूंगी, आ जाओ स्वीट दूंगी, आ जाओ। एंड थ्री स्माइल। आ जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ चोट लगी दिखा तो दो, दिखाओ। इधर आओ मेरे, इधर आओ मम्मा गोदी, आ जाओ इधर, इस साइड आ जाओ। कहाँ लगी चोट दिखा दो फ्रेंड्स को, कैसे लगी चोट? कुछ नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, सब गिरते हैं बचपन में। ओ ये देखो रेड हो गया मेरे बेटू को। और यहाँ भी कहीं लगी थी क्या, लिप्स पर? अच्छा चलो। और ये है मेरी चाय। ये है शाम की चाय जो कि मैं बहुत लेट पी रही हूँ।